Audio Jungle. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी कैंपस आगरा पर। हम पहले वेन डायग्राम से रिलेटेड दो क्लास पढ़ चुके हैं जिनमें वेन डायग्रामों से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में वेन डायग्राम से रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। आज चार क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, तीन वेन डायग्राम से रिलेटेड हैं। उनको पढ़ने के बाद परसेंटेज आपका फिनिश हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ चलेंगे। तो आज की क्लास में वेन डायग्राम से रिलेटेड देखेंगे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन लगाएंगे, जरा पहला क्वेश्चन लगाओ। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल इज टोटल विद्यार्थियों की संख्या दी है उसने 384 ड्यू टू रेन, बारिश की वजह से 16.3% स्टूडेंट वॉज नॉट एबल कम टू स्कूल ऑन एग्जामिनेशन डेट। फॉलोइंग डाटा विच आर गिवन बिलो टर्म्स ऑफ स्टूडेंट विच गिव्स एग्जाम, ये दिया है जो पेपर देते हैं ये उनके संबंध में है। देखो यहां पर कहा है विच गिव्स टेक्स एग्जाम, वैसे गिफ्ट की जगह टेक आना चाहिए, टेक्स एग्जाम जो एग्जाम देते हैं। तो देखो 60% विद्यार्थी मैथ्स में पास होते हैं ये दिया है, 70% विद्यार्थी इंग्लिश में पास होते हैं ये दिया है, 50% विद्यार्थी हिंदी में पास होते हैं ये दिया है, 35% विद्यार्थी ऐसे हैं जो मैथ्स और इंग्लिश दोनों में पास होते हैं, 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जो मैथ और हिंदी दोनों में पास होते हैं, 40% विद्यार्थी ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास होते हैं। हिंदी का क्वेश्चन लगाएंगे, इसी क्वेश्चन को हिंदी में लगाइए जरा। तो देखो हिंदी में पढ़ लेंगे प्यारे विद्यार्थियों, सेम क्वेश्चन है, अंतर कुछ नहीं है, वो इंग्लिश में था ये हिंदी में है, पढ़ लेंगे समझ लेंगे फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले पढ़ लेंगे इस क्वेश्चन को, समझ लेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, उसने कहा है एक विद्यालय में 384 विद्यार्थी पढ़ते हैं, परीक्षा के दिन बारिश के कारण विद्यार्थी जो है 16.3% अनुपस्थित रहे, मतलब वो आ नहीं पाए। उसके अलावा फिर आगे डाटा दिया उसने, परीक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों में से 60% गणित में पास हुए, 60% स्टूडेंट जो है वो मैथ्स में पास हुए, 50% हिंदी में पास हुए, 70% अंग्रेजी में पास हुए, 35% गणित अंग्रेजी दोनों में पास हुए, उसके अलावा 20% आपके गणित और हिंदी में पास हुए, 40% हिंदी अंग्रेजी में पास हुए, मतलब दोनों के दिए हैं, इंटरसेक्शन दिया है और सभी का इंडिविजुअल दिया है। फिर उसके बाद पूछा क्या है, ये महत्वपूर्ण है, तो उसने पूछा है कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत तीनों में पास हुए, तीनों में पास विद्यार्थी हमें बताने हैं तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो तीन दिए हैं तो इसका मतलब हमें तीन वेन डायग्राम बनाने पड़ेंगे, तीन वेन डायग्राम बनाने पड़ेंगे। तो देखो एक वेन डायग्राम हमारा मैथ्स का होगा, तो मैथ्स के लिए मैंने ये वेन डायग्राम बना लिया, ठीक है। एक वेन डायग्राम हमारा जो है वो अंग्रेजी सब्जेक्ट के लिए होगा और एक वेन डायग्राम हिंदी सब्जेक्ट के लिए, तो ये वाला वेन डायग्राम मान के चलो हमारा इंग्लिश के लिए हो गया, इंग्लिश में कितने विद्यार्थी पास हुए वो हो गया। उसके अलावा एक वेन डायग्राम हमारा हिंदी के लिए बनेगा, तो हिंदी के लिए मान के चलो ये वेन डायग्राम हो गया। यहाँ पर जो टोटल सर्किल है जो ब्लू वाला, ये हिंदी में पास विद्यार्थियों को दर्शा रहा होगा, जो रेड वाला है ये इंग्लिश में पास विद्यार्थियों को दर्शाएगा, उसके अलावा जो ब्लैक वाला है ये मैथ्स में पास विद्यार्थियों को दर्शाएगा कि मैथ्स में कितने परसेंट पास हुए। तो उसने कहा है कि 60% विद्यार्थी गणित में पास हुए हैं, इसका मतलब 60% जो वैल्यू होगी इस ब्लैक सर्किल की टोटल वैल्यू होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक कुल वैल्यू 60% होगी। ऐसे ही 50% आपके विद्यार्थी हिंदी में पास हुए हैं, इसका मतलब हिंदी वाले सर्किल की जो टोटल वैल्यू है, हिंदी वाले सर्किल की जो कुल वैल्यू है वो 50% होगी। इंग्लिश में कितने परसेंट पास हुए हैं, तो इंग्लिश में उसने कहा है 70% अंग्रेजी में पास हुए, इसका मतलब रेड सर्किल की कुल वैल्यू बेटा 70% होगी। 70% कहां से कहां तक की वैल्यू होगी, इस टोटल की, इस वाली की, इस वाली की, यहां से लेके यहां तक टोटल।
60% कौन सी वैल्यू होगी, इस वाले की टोटल यहां तक, और जो 50% है इस पूरे सर्किल की वैल्यू होगी। उसके बाद उसने दो दो का कॉमन दिया है, उसने कहा है 35% मैथ्स और अंग्रेजी दोनों, उसके अलावा 20% गणित और हिंदी में पास हुए, 40% हिंदी अंग्रेजी में पास हुए, तो बताइए तीनों में। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमें ये बीच वाला भाग पता लगना चाहिए, तभी हम इन 35%, 20% और 40% का प्रयोग कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। जब कभी भी तीन वेन डायग्राम पर रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें तीनों में कॉमन भाग को भरना है, सबसे पहले बीच वाले भाग को भरना है, तभी हम इन भागों को फिल कर पाएंगे। तो इस बीच वाले भाग को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बीच वाले भाग को निकालने के लिए हमें यह पता करना पड़ेगा कि यूनियन टोटल कितना है। तो मैं लेट कर लेता हूं। देखो एक बात ये, इसमें जो 384 विद्यार्थी दिए 384, इसका कोई भी प्रयोग नहीं है क्वेश्चन में। क्यों क्यों नहीं है, क्योंकि उसने कहा है कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत तीनों में पास हुए, मतलब उपस्थित विद्यार्थियों का पूछा है, तो बस हमें उपस्थित विद्यार्थियों से मतलब है, कितने विद्यार्थी नहीं आए या कितने विद्यार्थी थे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में आंसर हमें परसेंटेज में दिए हैं। देखो यहाँ पे 15% दिया है, ये ऑप्शन 13% दिया है, 12.5% दिया है, 16 से 2/3%। तो जब कभी भी आंसर हमसे परसेंटेज में पूछा हो तो परफेक्ट मान की कोई भी वैल्यू नहीं रह जाती है। परफेक्ट मान का प्रयोग हम कब करते हैं वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगा, पहले क्वेश्चन को समझेंगे, पहले आप क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को जरा हटा देंगे, क्वेश्चन को हटाइए, खाली स्लाइड लगाइए। तो देखो यहां पर ये तो हमें पता लग गया, अब हमारा काम है सबसे पहले ये निकालना कि कुल विद्यार्थियों में से जो उपस्थित हुए हैं, तो मैं सबसे पहले मान लेता हूं कि टोटल जो विद्यार्थी प्रेजेंट हुए हैं, प्रेजेंट स्टूडेंट जो हैं, मैं मान लेता हूं प्रेजेंट स्टूडेंट्स जो हैं, कुल जो हैं प्रेजेंट विद्यार्थी वो 100% हैं, 100% विद्यार्थी उपस्थित हुए हैं, ठीक है। तो ये जो 100% जो उपस्थित हुए हैं, उसमें कहीं भी क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि इतने प्रतिशत विद्यार्थी तीनों विषयों में फेल हो गए, सारे के सारे विद्यार्थी किसी न किसी सब्जेक्ट में पास हुए, इसका मतलब 100% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो किसी न किसी सब्जेक्ट में पास हुए। तो ये यूनियन का मान हो गया, ये वैल्यू बराबर होगी, ये यूनियन की वैल्यू, यूनियन का मतलब ये वैल्यू इन सभी सर्किलों का मान होगा, उपस्थित विद्यार्थी किसी न किसी परीक्षा में पास अवश्य हुए, तो इन सभी सर्किलों का कुल मान जो है वो 100% होगा, तो ये यूनियन होगा। और इंडिविजुअल हमें पता है, यूनियन की वैल्यू बड़ा पता होती है कि इंडिविजुअल वालों को सबको जोड़ देते हैं, तो 60% प्लस 70% और प्लस 50%, तीनों को इंडिविजुअल वालों को सबको जोड़ देते हैं, उसके अलावा दोनों में कॉमन वालों को घटा देते हैं। तो उसने वहां पर कहा था कि 35% दो सब्जेक्ट में, तो 35% इसमें से घट जाएगा, 20% कहा था क्वेश्चन में, तो 20% इसमें से घट जाएगा, 40% कहा था तो 40% घट जाएगा। उसके बाद तीनों में कॉमन एक बार जुड़ जाता है, तो तीनों में कॉमन को हम जोड़ लेंगे, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो उपस्थित विद्यार्थी 100% की वैल्यू बराबर होगी, देखो यहां पर ये सभी जुड़ जाएंगे, 60 और 110 और 70 कितना हो गया, 180%, 180% में से माइनस कितना हो जाएगा, तो 40 और 20 60, 60 और 35 कितना हो गया 95, प्लस x प्रतिशत, 95 में से माइनस हो जाएगा 180 में से, तो 180 में से 95 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 100%, और इसको 180 में से माइनस करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, 17 में से जाएगा तो 8, 85% और प्लस x प्रतिशत। तो यहां से x परसेंट का मान निकालना है, तो 85 इधर आ जाएगा, तो x परसेंट की वैल्यू हो जाएगी 100% माइनस 85%, इसका मतलब x परसेंट का मान आ जाएगा 15%, इसका मतलब उपस्थित विद्यार्थियों में से 15% विद्यार्थी ऐसे हैं जो मैथ, इंग्लिश और हिंदी तीनों में पास हुए हैं। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, उसने यही हमसे पूछा है कि बताइए ऐसे विद्यार्थी कौन से हैं जो तीनों में पास हुए, ठीक है। तो आंसर तो हमारा यहीं पे खत्म हो जाएगा, जरा क्वेश्चन को लगाना एक बार, बता देते हैं क्या पूछा है। तो देखो मैंने हाईलाइट करके पहले ही बताया था, फिर बता देता हूं, कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत तीनों में पास हुए, तो उपस्थित विद्यार्थी मैंने कितने माने 100%, 100% में से 15% ऐसे होंगे जो तीनों में पास हुए, ये हो गए 15%। उसके अलावा अब मैं इसको पहले पूरा बना लेता हूं, तब आपको कुछ चीजें और समझाऊंगा इसी क्वेश्चन में। 35% विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी में, मतलब 35% मैथ और इंग्लिश, तो मैथ और इंग्लिश में 35% 15, ये तो ओनली मैथ इंग्लिश में कितने आ गए 20%। उसके बाद
20% जो है वो विद्यार्थी गणित और हिंदी में, तो गणित और हिंदी में 20 में से 15 इधर आ गए, तो इधर कितने बचे 5%। ऐसे ही इंग्लिश और हिंदी में कितने हैं 40%, तो 15% इधर आ गए, तो इधर कितने बचे 25%। क्वेश्चन को हटा दो। उसके बाद ये निकल के आ गए दो वाले। उसके बाद केवल मैथ में कितने परसेंट पास हुए, ये कैसे निकालेंगे आप, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू, केवल इतनी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इतनी वैल्यू निकालने के लिए 60% में से इन मानों को घटा देंगे, तो 15 और 5 20 और 20 40 को घटा देंगे, तो केवल मैथ में कितने आए 20%। ऐसे ही यहां पर 70 में से 25 और 15 कितना हो गया 40, 20, 60 को हटा देंगे, तो केवल इंग्लिश में कितने परसेंट आए 10%। ऐसे ही 50 में से 25 और 15 कितना हो गया 40 और 5 45 को हटा देंगे, भाई देखो 30, 40, 5, 45, तो केवल हिंदी में कितने आए 5%। तो ये देखो इन सब का जोड़ 100% हो रहा होगा, देखो 20 और 20 40 40 और 20 60 60 और 40 कितना हो गया 100% हो गया। तो ये 100% कौन सी है, ये टोटल सर्किलों का मान क्या है, टोटल सर्किल 100% प्रेजेंट स्टूडेंट हैं जो परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, उनका 15% विद्यार्थी, उपस्थित विद्यार्थियों का 15% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो तीनों सब्जेक्टों में पास हुए हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं आपको एक चीज ये बताने वाला था कि हमने जो 384 और 16 से ही 2/3% दिया था उसका प्रयोग क्यों नहीं किया, उसका प्रयोग इसलिए नहीं किया कि क्वेश्चन हमसे उसने प्रतिशत में पूछा था, और प्रतिशत में जब क्वेश्चन पूछा होगा तो हम प्रेजेंट स्टूडेंटों को कुछ भी मान सकते हैं अपनी तरफ से, जरूरी नहीं है कि जो दिया है उसी को लेके चलें। जैसे जैसे यहां पर उसने टोटल स्टूडेंट, कुल विद्यार्थी, टोटल स्टूडेंट दिए थे उसने 384, और इसमें से ये कहा था कि 16.66% विद्यार्थी आए नहीं है, मतलब एबसेंट रहे, तो 16.66 का मतलब 1/6, तो 6 अगर टोटल स्टूडेंटों का रेशियो होगा तो इसमें से एबसेंट कौन से रहे, 1 रेशियो जो है वो एबसेंट रहे, तो प्रेजेंट कितने हो गए, तो प्रेजेंट निकालेंगे तो 6 में से 1 को हटा देंगे, तो 5 रेशियो आपके क्या हो जाएंगे, प्रेजेंट स्टूडेंट हो जाएंगे जो प्रेजेंट हुए, ठीक है। अब टोटल स्टूडेंट दिए 384, तो कितने रेशियो का मान होगा, 6 रेशियो का मान हो गया 354, तो 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो गया 64:1 रेशियो का मान, तो उसके बाद प्रेजेंट स्टूडेंट निकालेंगे तो 5 रेशियो का मान, तो 5 × 64, तो प्रेजेंट स्टूडेंट आ जाएंगे 320, तो प्रेजेंट विद्यार्थी कितने आ जाएंगे 320। तो ये जो 100% माना हमने प्रेजेंट स्टूडेंट माने, इसलिए अगर हमसे उसने ये पूछा होता कि बताइए तीनों ऐसे विद्यार्थी कितने हैं जो तीनों विषयों में पास हुए हैं, तो उसके लिए मैं क्या निकालता, मैं उसके लिए 320 का 15% निकालता, क्योंकि 15% क्या है, उपस्थित विद्यार्थियों का, तो 5 से 20 बार कट जाएगा, 0 से 0, 2 से 16 बार कट जाएगा, तो 16 से 48 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो तीनों विषयों में पास हुए, 48 स्टूडेंट ऐसे होंगे। तो जब हमसे आंसर परफेक्ट में पूछा जाता, प्रतिशत में नहीं पूछा जाता, तो मैं आंसर इस प्रकार से करता, 48 आंसर कर देता, लेकिन उसने हमसे पूछा था कि उपस्थित विद्यार्थियों का कितने प्रतिशत विद्यार्थी तीनों विषयों में पास हुए, तो वो आंसर आएगा 15%। लेकिन अगर इसी परसेंटेज को उसने पूछा होता था बताइए कुल विद्यार्थियों का कितने परसेंट तीनों विषयों में पास हुए, तो कैसे निकालते आप, तो कुल विद्यार्थियों का, तो फिर वैल्यू को 384 पर कैलकुलेट किया जाता, मेरे कहने का मतलब फिर 48 को कैलकुलेट किया जाता 384 पर, तो यहां पर कैंसिल करते तो 12 से देखो 4 बार कट जाएगा, ये 12 36 बादने 24, 4 से 8 बार, तो उस केस में आता 1/8, और 1/8 का मतलब होता है 12.5%, तो उस केस में हमारा आंसर आता 12.5%। तो यही चीज समझने वाली है कि उसने हमें किसका पूछा है, क्या पूछा है, तो उसने हमें उपस्थित विद्यार्थियों का पूछा था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 15%। अगर उसने पूछा होता कुल विद्यार्थियों का कितने परसेंट विद्यार्थी, तो आप करते 12.5% आंसर। और मेरे कहने का सीधा सा मतलब यह है कि जब आंसर प्रतिशत में पूछा जाए तो जरूरी नहीं है कि मैं 320 को ही लेके क्वेश्चन को सॉल्व करूं, मैं अपनी तरफ से 100% मान के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, क्योंकि प्रेजेंट स्टूडेंट मैंने 100% लेट कर लिए, क्यों, क्योंकि आंसर प्रतिशत में पूछा है। जब आंसर प्रतिशत या रेशियो में पूछा हो तो परफेक्ट मान का कोई भी मतलब नहीं होता है, हम अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू मानकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 15%। उसके अलावा परफेक्ट में अगर हम पूछें कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने तीनों परीक्षाएं पास की, तो वो हो जाएंगे 48। और अगर उसने ये पूछा होता कि कुल विद्यार्थियों में से कितने परसेंट ने परीक्षा पास की, तो आप कहते 12% ऐसे हैं, 12.5% जिन्होंने तीनों परीक्षाएं पास की, ठीक है। सारी चीजें क्लियर हैं, चलते हैं आज के प्यारे विद्यार्थियों सेकंड क्वेश्चन, आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे और करने की कोशिश करेंगे। देखो क्या कहा है, 100 पीपल वर आस्क्ड इफ दे वॉच्ड एनी ऑफ द फॉलोइंग मूवीज, बाहुबली, शोले और टाइटैनिक। 15 लोग कोई भी मूवी नहीं देखते हैं, 15 लोग
सभी देखते हैं, वामन लोग केवल टाइटैनिक देखते हैं, 40 लोग एटलीस्ट टू, मतलब 40 लोग दो, देखो मैं डाटा इधर लिख लेता हूँ, 15 लोग ऐसे हैं जो कोई भी मूवी नहीं देखते हैं, तो 15 लोग ऐसे हैं जो कोई भी मूवी नहीं देखते हैं, ठीक है, सारी लैंग्वेजों को लिख लेते हैं फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके अलावा 15 लोग ऐसे हैं जो तीनों देखते हैं, तो इसका मतलब 15 लोग जो हैं वो ऐसे हैं वो ऑल थ्री देखते हैं, तीनों मूवीज को वॉच करते हैं 15 लोग। उसके अलावा 52 लोग ऐसे हैं जो केवल टाइटैनिक, केवल का मतलब टाइटैनिक देखते हैं, केवल नहीं लगा, ओनली टाइटैनिक देखते हैं, ठीक है, टाइटैनिक देखते हैं 52 लोग। इसने कहा है 52 पीपल वॉच्ड टाइटैनिक, ओनली नहीं लगा यहां। 40 लोग ऐसे हैं जो कम से कम दो, एटलीस्ट टू का मतलब है दो भी देखेंगे और तीन भी देख सकते हैं, कम से कम का, कम से कम दो का मतलब दो वाले आएंगे, तीन वाले, चार वाले, पांच वाले, मतलब उससे आगे वाले सब आएंगे, कम से कम दो का मतलब है कम से कम दो तो देखेंगे ही देंगे, उसके अलावा ज्यादा कितनी भी देख सकते हैं, तीन चार पांच, तो 40 लोग कौन से होंगे जो दो भी देखते हैं और तीन भी देखते हैं। उसके अलावा 8 लोग ऐसे हैं जो बाहुबली और टाइटैनिक देखते हैं लेकिन 16 नहीं देखते, मतलब 8 लोग ऐसे हैं जो बाहुबली देखेंगे, टाइटैनिक देखेंगे लेकिन 16 नहीं देखेंगे, ये वाले लोग हैं 8। उसके अलावा 20 लोग ऐसे हैं जो बाहुबली और 16 देखते हैं, तो इसने 20 लोग ऐसे दिए हैं जो बाहुबली देखते हैं एंड 16 देखते हैं, ठीक है। उसके अलावा 44 लोग ऐसे हैं जो 16 या टाइटैनिक देखते हैं लेकिन बाहुबली नहीं देखते, 44 लोग ऐसे हैं जो 16 देखते हैं या और टाइटैनिक देखते हैं लेकिन बाहुबली नहीं देखते, ठीक है, ये टोटल डाटा दिया है। उसके बाद पूछा क्या है वो बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन को एक बार हिंदी में पढ़ लें। एक सर्वे में 100 लोगों में पूछा जाता है कि उन्होंने इनमें से कौन सी फिल्म देखी, बाहुबली, 16, टाइटैनिक, नतीजे निम्नलिखित हैं। 15 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई फिल्म नहीं देखी थी, देखो कोई नहीं देखी, 15 लोगों ने सभी देखी थी, 52 ने टाइटैनिक देखी थी, तो 52 ने टाइटैनिक देखी। आगे क्वेश्चन को लेके जाएंगे, 40 लोगों ने कम से कम दो फिल्में देखी थी, ये लैंग्वेज समझने वाली है, 40 लोगों ने कम से कम दो फिल्में देखी थी, इसका मतलब क्या है, कम से कम दो का मतलब है दो तो देखेंगे ही देखेंगे, उसके अलावा ज्यादा कितनी भी देख सकते हैं, तीन चार पांच, तो यहाँ पे चार फिल्म तो है नहीं, तीन ही फिल्म है, इसका मतलब 40 लोग होंगे दो फिल्म देखने वाले और तीन फिल्म देखने वाले। 8 लोग बाहुबली टाइटैनिक देखते हैं लेकिन 16 नहीं देखते हैं, 20 लोग जो है बाहुबली 16 देखते हैं, 44 लोग 16 या टाइटैनिक देखते हैं लेकिन बाहुबली नहीं देखते हैं, ये है। उसके अलावा पूछा कितने लोग केवल 16 देखते हैं, ये बाद में देखेंगे, पहले इस डाटा से हम सारी चीजें बना लेते हैं वेन डायग्राम की हेल्प से, ठीक है, खाली स्लाइड लगाएंगे जरा क्वेश्चन हटा के। तो देखो पहले हम इन सभी के लिए वेन डायग्राम बना लेते हैं जिससे हमें सारी चीजें समझ में आ जाएं। तो यहां पर लोग जो हैं तीन प्रकार की फिल्म देख रहे हैं, बाहुबली, 16 और टाइटैनिक, तो तीनों के लिए अलग अलग वेन डायग्राम बनेगा। तो देखो ब्लैक कलर से मैंने मान लिया ये बाहुबली देखने वाले हैं, ऐसे ही एक दूसरी फिल्म देख रहे हैं टाइटैनिक, तो मैं देख लेता हूँ ये टाइटैनिक देखने वाले हैं, मैं मान लेता हूँ ये टाइटैनिक देखने वाले हैं। उसके अलावा एक तीसरी फिल्म 16, तो मैं मान लेता हूँ ये वाले जो हैं ये 16 देखने वाले हैं, ठीक है। अब उसके बाद डाटा फिल करते चलेंगे, 15 ऐसे हैं जो कोई भी फिल्म नहीं देखते, इसका मतलब 15 लोग ऐसे हैं जो कोई भी फिल्म नहीं देखते, तो ये रेक्टेंगल बना लेंगे, आयत बना लेंगे, तो इसमें 15 लोग ऐसे हैं जो इन वेन डायग्रामों में भाग लेते ही नहीं है, मतलब ये बाहरी हिस्से का मान होगा, मैंने आपको समझा दिया है बाहरी हिस्से का मान होगा ये 15 ऐसे होंगे, और टोटल लोग कितने हैं वो 100, तो 100 में से अगर मैं 15 को घटा दें तो वेन डायग्रामों का मान कितना हो जाएगा, तो वेन डायग्रामों का मान हो जाएगा 100 - 15 = 85, इसका मतलब 85 लोग ऐसे होंगे जो कोई न कोई फिल्म अवश्य देखते हैं, मतलब इन सभी सर्कलों का टोटल मान 85 होगा। अब उधर देखो 15 तीनों देखते हैं, इसका मतलब बीच वाला जो कॉमन भाग है इसका मान कितना होगा 15 तीनों देखते हैं, तो यहां आएगा। उसके अलावा 52 लोग जो हैं वो टाइटैनिक देखते हैं, तो टाइटैनिक वाले कितने होंगे, तो टाइटैनिक वाले होंगे भाई 52, 52 लोग ऐसे होंगे जो टाइटैनिक देखते हैं, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है ये तीनों डाटा का हमने प्रयोग कर लिया, 15 लोग ऐसे हैं जो कोई नहीं देखते, 15 तीनों देखते हैं, 52 टाइटैनिक, 40 दो और तीन देखते हैं, तो इसको बाद में देखते हैं। उसके अलावा इसको देखो 8 बाहुबली देखते हैं, टाइटैनिक देखते हैं लेकिन 16 नहीं देखते, तो 8 लोग ऐसे हैं जो बाहुबली देखते हैं और टाइटैनिक देखते हैं, मतलब दोनों को देखते हैं, तो इसका मतलब ये वाला भाग हो गया, लेकिन 16 नहीं देखते, मतलब ये वाला भाग हटाकर बाकी जो दोनों में कॉमन है इसका मान हमें दिया है 8 लोग, 8 लोग ऐसे हैं जो बाहुबली, टाइटैनिक देखते हैं लेकिन 16 नहीं देखते, तो इस वाले भाग को हटा देंगे तो 8 लोग, ये वाला भाग बचेगा बाहुबली और टाइटैनिक वाला, तो
तो ये वाला हो गया, इसका यूज हो गया। उसके बाद 20 लोग बाहुबली और शोले देखते हैं, तो बाहुबली और शोले 20 लोग देखते हैं, उसमें से 15 यहां आ गए, तो यहां कितने आ गए, 5, ये हो गए दोनों, ये हो गया, तो ये इसका भी प्रयोग होगा। उसके बाद इसको देखो 40 को, 2 और 3 फिल्म देखने वाले टोटल 40 हैं, तो 2 और 3 फिल्म देखने वाले टोटल हैं कौन से, पहले ये देखो, तो ये वाला भाग है 2 देखने वाला, ये वाला भाग है 2 फिल्में देखने वाला, ये वाला भाग है 2 फिल्में देखने वाला, 3 वाला ये है। इसका मतलब अगर मैं 40 में से इन तीनों को घटा दूं तो इस वाले भाग की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, तो ये जो ग्रीन से मैंने डार्क किया है इस वाले भाग की वैल्यू निकालेंगे, तो इस वाले भाग की वैल्यू किस प्रकार से निकल के आएगी, अगर मैं इसको एक्स मान लूं तो इस वाले भाग की वैल्यू निकल के आएगी टोटल 40 में से माइनस कर देंगे तीनों फिल्म देखने वाले, उसके अलावा माइनस करेंगे 15 और 8 13, तो एक्स का मान बराबर आ जाएगा 12। इसका मतलब 12 लोग ऐसे होंगे, 15 और 13 28 को इसमें से माइनस करेंगे तो 12 लोग ऐसे होंगे, ये वाले जो भाग है इसकी वैल्यू हो जाएगी 12। 12 लोग ऐसे होंगे जो शोले और टाइटेनिक देखते हैं, केवल 2 फिल्म देखते हैं, ये 12। ठीक है, अब ये टोटल हो गया। उसके बाद केवल टाइटेनिक वाले निकालेंगे आप, मतलब ओनली टाइटेनिक देखने वाले, तो ये वाला भाग निकाल सकते हैं, 52 में से इसको घटा देंगे तो ये भाग आ जाएगा, तो 12 और 8 20 और 15 कितना हो गया, तो 20 और 15 हो गया आपका 35। 35 को इसमें से माइनस करेंगे तो केवल टाइटेनिक देखने वाले कितने हो जाएंगे, 17। 17 लोग ऐसे हो जाएंगे जो केवल टाइटेनिक देखते हैं, केवल टाइटेनिक देखने वाले लोग कितने हो जाएंगे भाई, 17 लोग। ठीक है, 17 लोग हो गए केवल टाइटेनिक देखने वाले। अब चलते हैं इस पर, इस 44 पर। तो इसने कहा है 44 लोग ऐसे हैं जो शोले देखते हैं या टाइटेनिक देखते हैं लेकिन बाहुबली नहीं देखते हैं, मतलब केवल बाहुबली देखने वालों को हटा देना है, तो बाहुबली देखने वाले मतलब ब्लैक सर्कल को हटा देना है, बाकी इधर वाले जो टोटल मान है, ये ब्लैक वाला, ये ग्रीन वाला और ये वाला जो बचा, कौन सा वाला बचा, केवल ये वाला जो बचा हुआ भाग है, ये वाला जो भाग है, इन सभी का जोड़ 44 है, तो हमें ये निकालना है। तो इसको अगर मैं, इस वाले भाग को निकालना है हमें, तो इस वाले भाग का मान अगर मैं y मान लूं तो इसका मान कितना आ जाएगा, तो टोटल 44 में से 44 में से 17 को माइनस कर देंगे और 12 को माइनस कर देंगे, तो 44 में से माइनस करेंगे 29 को माइनस करेंगे तो 14 में से 9 गया तो कितना बचा, 5, 15। इसका मतलब 15 लोग ऐसे आ जाएंगे, 15 लोग ऐसे आ जाएंगे जो केवल शोले देखते हैं, 15 लोग ऐसे आ जाएंगे जो केवल शोले देखते हैं। अब उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है, फिर आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन में क्या पूछा है, कितने लोग केवल शोले देखते हैं, तो इसका मतलब केवल शोले हटा दो, और कितने लोग ने केवल बाहुबली देखी हटा दो, केवल बाहुबली देखने वाले और केवल शोले देखने वाले हमसे पूछा है। तो देखो केवल शोले देखने वाले तो हमारे पास आ गए 15, केवल शोले देखने वाले 15 आ गए, मतलब ओनली शोले देखने वाले अभी हमने निकाले, जो केवल शोले देखते हैं उनका मान कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अब हमें यह निकालना है केवल बाहुबली कितने देखते हैं, तो केवल बाहुबली के लिए क्या करेंगे कि टोटल सभी का मान 85 है, जो कोई ना कोई एक फिल्म अवश्य, मतलब इन तीनों सर्किलों का मान कितना है, इन तीनों सर्किलों में अगर हम निकालेंगे ओनली बाहुबली वाले, अगर हम निकालेंगे केवल बाहुबली देखने वाले, तो उसके लिए कैसे करेंगे, तो बाहुबली देखने वालों के लिए हम क्या करेंगे, टोटल यूनियन 85 में से बाकी सबको घटा दो, टोटल तीनों सर्किल का मान कितना है 85 में से इन सभी को घटा देंगे तो केवल ये बाहुबली वाले आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, आ जाएंगे। तो देखो इसको घटा देते हैं तो 17 ये हो जाएगा, 15 और 5 20 20 और 20 40, 40 और 32 कितना हो गया, तो 40 और 32 को ऐड करेंगे, तो देखो यहां से ऐसे कर लेंगे, 15 और 5 कितना हो गया, 20 हो गया, 12 और 8 20 40 हो गया, 40 और 15 कितना हो गया, 55 हो गया, 55 और 7 62, 62 और 10 कितना हो गया, 72। इसका मतलब 72 हो जाएगा, 72 को 85 में से अगर मैं माइनस कर दूंगा तो 13 लोग ऐसे हो जाएंगे जो केवल बाहुबली देखते हैं, तो ओनली बाहुबली देखने वाले कितने हो जाएंगे, 13। इसका मतलब उसने पूछा है केवल शोले देखने वाले और केवल बाहुबली देखने वाले, तो शोले देखने वाले हो गए 15 और बाहुबली देखने वाले हो गए 13। तो जिस ऑप्शन पे 15 और 13 आंसर दिया होगा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन पे कौन
कौन से पे दिया, देखो 15 और 13 ए पे दिया, इसका मतलब ए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 15 और 13। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन को हटा दीजिए, एक बार और सारी चीजें समझा देता हूं मैं। तो देखो यहां पर ये कैसे 15 कोई भी फिल्म नहीं देखते, तो मैंने 100 जो है कुल लोग हैं, तो 100 में से 15 कोई फिल्म नहीं देखते, तो 85 लोग ऐसे हो गए जो कोई ना कोई फिल्म अवश्य देखते, मतलब इन सभी सर्कलों का मान 85 हो गया। 8 लोग ऐसे दिए थे जो बाहुबली टाइटेनिक देखते हैं लेकिन 16 नहीं देखते, तो 8 लोग ये हो गए। 15 तीनों देखने वाले दिए थे, उसके अलावा 5 हमने निकाल लिए क्योंकि 20 दिए थे बाहुबली और 16 देखने वाले, तो 15 ये हो गए, 5 इधर हो गए। 12 को कैसे निकाला, हमें दिया था 2 और 3 देखने वाले 40, तो 15 8 और इसको घटा के ये निकाल लिया, और इन तीनों का मान 44 दिया था, तो इन दोनों को घटाकर उसमें से 15 केवल 16 वाले निकाल लिए, और फिर टोटल का हमें 85 दिया था और ये सारे पता थे, तो ये सारे जोड़कर हमने 85 में से घटा दिए, तो केवल बाहुबली वाले आ गए। तो इस प्रकार से आंसर हो गया 15 और 13। ठीक है, देखेंगे भाई इसको। 500 स्टूडेंट्स appeared in an examination which consists of 3 papers. 3 पेपर है तो इसका मतलब 3 वेन डायग्राम चाहिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और मैथ्स के लिए। 42 स्टूडेंट फिजिक्स में पास होते हैं, ओनली पीछे लगा, इसका मतलब 42 ओनली फिजिक्स में पास होते हैं। 36 स्टूडेंट्स पास इन केमिस्ट्री ओनली, मतलब केवल केमिस्ट्री में 36 पास होते हैं। 52 स्टूडेंट पास इन मैथ्स ओनली, मतलब मैथ में केवल 52 स्टूडेंट पास होते हैं। वेयर एज 110 स्टूडेंट पास इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिर दो दो वाले दिए हैं, 110 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास होते हैं, 112 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ्स और फिजिक्स में पास होते हैं, 118 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ्स और केमिस्ट्री में पास होते हैं, 54 स्टूडेंट पास इन ऑल 3 पेपर्स। तो उसने कहा है फाइंड आउट हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल इन फिजिक्स ओनली, हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल इन ओनली वन सब्जेक्ट, फेल्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट और पास्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। ये हमसे क्वेश्चन पूछे हैं, 5 क्वेश्चन इसमें पूछे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन पूछे हैं। अब हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक परीक्षा में 500 छात्र बैठे जिसमें से 3 प्रश्न पत्र हैं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और मैथ्स। मैथ्स में 42 छात्र केवल भौतिक विज्ञान में पास हुए, 36 केवल रसायन विज्ञान में और 52 छात्र केवल, ये हमें डाटा दिया है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 3 वेन डायग्राम बनाने पड़ेंगे, तो ये खाली स्पेस है, मैं यही वेन डायग्राम बना लेता हूं तीनों सब्जेक्टों के लिए, मैथ के लिए, फिजिक्स के लिए और रसायन विज्ञान के लिए। तो एक वेन डायग्राम हमारा मैथ्स के लिए हो गया, इसको लिख लेते हैं एम, मैथ्स को एम से लिख लेते हैं। एक वेन डायग्राम हमारा केमिस्ट्री के लिए हो गया, तो इसको सी एस से लिख लेता हूं मैं, केमिस्ट्री। ठीक है, एक वेन डायग्राम हमारा फिजिक्स के लिए हो गया, एक तीसरा वेन डायग्राम ये, तो इस पे मैं लिख लेता हूं फिजिक्स। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब इसमें बस डाटा लिखता जाना है क्या क्या दिया है। तो देखो 500 टोटल स्टूडेंट हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं भाई 500। ठीक है, उसके अलावा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इधर लिख देता हूं मैं, टोटल स्टूडेंट दिए हैं हमें 500, क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प होगी। ठीक है, उसके बाद भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित, 42 छात्र केवल भौतिक विज्ञान में, 36 छात्र केवल रसायन विज्ञान में और 52 छात्र केवल गणित में पास होते हैं। इसका मतलब देखो ऊपर भी दिया है 42 स्टूडेंट पास्ड इन फिजिक्स ओनली, मतलब 42 केवल भौतिक विज्ञान वाले हैं, इसका मतलब केवल भौतिक विज्ञान वाले हैं, तो इसका मतलब 42 मात्र ये वाली चीज की वैल्यू होगी, फिजिक्स वाले नहीं है, ओनली फिजिक्स वाले हैं। केवल का बहुत बड़ा प्रयोग है भाई इसमें, तो 42 स्टूडेंट केवल फिजिक्स वाले होंगे, ओनली फिजिक्स वाले, मतलब ये वाला पार्ट होगा जो मैंने हाईलाइट किया है। उसके बाद 36 केवल रसायन विज्ञान वाले हैं, तो केवल रसायन विज्ञान मतलब केवल ये वाला भाग होगा, 36 स्टूडेंट होंगे जिसमें केवल ये वाला भाग आएगा ओनली, इसमें ये कॉमन वाला भाग नहीं आएगा। उसके अलावा 52 छात्र केवल गणित में पास होते हैं, देखो केवल गणित में, ओनली मैथ्स में कितने हैं 52, तो ओनली मैथ्स वाले भी 52 स्टूडेंट होंगे जो केवल ये वाला भाग होगा, यहां तक ये वाला भाग होगा ओनली। अब उसके बाद हमारे पास कौन सा बचा, दोनों में कॉमन वाले भाग बचे और 3 वाला बचा, उसके लिए आगे पढ़ते हैं। जबकि 112 छात्र गणित भौतिक विज्ञान में, 118 छात्र गणित रसायन विज्ञान में पास होते हैं, 54 छात्र, अब देखो मैं इंग्लिश से हेल्प ले लेता हूं, 44 स्टूडेंट पास इन ऑल 3 पेपर्स, तीनों में पास होने वाले कितने हैं भाई, तो तीनों में पास होने वाले विद्यार्थी दिए हैं 54 विद्यार्थी। ठीक है, 54 विद्यार्थी तीनों में पास होने वाले दिए। फिर उसके बाद दोनों में कॉमन पर आ जाते हैं, 112 छात्र गणित और भौतिक विज्ञान में, तो गणित और भौतिक विज्ञान में कितने हैं 112 छात्र हैं दोनों में, इनमें से 54 इधर आ गए, तो इधर वाले का मान कितना हो जाएगा, तो इसका मान निकालेंगे तो 112 में से और 54 को माइनस कर देंगे, तो 54 को माइनस करेंगे, 12 में से 4 गया कितना बचा 8,
58, इसका मतलब 58 स्टूडेंट ऐसे हो जाएंगे जो मैथ्स और फिजिक्स में पास हैं लेकिन केमिस्ट्री में पास नहीं है, 52 ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 118 छात्र गणित रसायन विज्ञान में पास होते हैं, तो गणित और रसायन विज्ञान में पास होते हैं 118, जबकि 110 छात्र भौतिक और रसायन विज्ञान में, तो 110 छात्र भौतिक और रसायन विज्ञान में, यहां और यहां 110 छात्र पास हो रहे हैं, तो 110 में से 54 को माइनस कर देंगे तो कितने आ जाएंगे, 10 में से 4 गया 6, 56 आ जाएंगे यहां, जो केमिस्ट्री और भौतिक विज्ञान दोनों में पास होते हैं। उसके अलावा 118 छात्र गणित और रसायन विज्ञान में, तो फिर 118 में से 54 को माइनस करेंगे, तो 118 में से 54 को माइनस करेंगे तो देखो 4 बचेगा और आपका 6 बचेगा 64। अब देखो यहां से पूरा डाटा हमारे सामने क्लियर हो गया, 52 विद्यार्थी केवल मैथ में पास हुए, 36 विद्यार्थी केवल केमिस्ट्री में पास हुए, 42 विद्यार्थी केवल फिजिक्स में पास हुए, उसके अलावा 54 विद्यार्थी तीनों में पास हुए, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 118 विद्यार्थी मैथ और केमिस्ट्री में पास हुए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 112 विद्यार्थी आपके फिजिक्स और मैथ्स में पास हुए, और 110 विद्यार्थी केमिस्ट्री और फिजिक्स में पास हुए। उसके अलावा दो दो का आपको मैंने अलग अलग करके बता दिया। फिर उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, क्वेश्चन को आगे करें जरा। उसके बाद उसने कहा है, फिर बस उसने पूछा है, क्या क्या पूछा है, ये जो डाटा है मैंने पूरा यहां लिख दिया, और कुल विद्यार्थियों की संख्या दी है भाई 500, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं, कितने दिए हैं 500, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं 500, ठीक है। अब ये देखो पहले तो कि कुल विद्यार्थी 500 दिए हैं, तो ये जो वेन डायग्राम की वैल्यू है टोटल 500 बन रही है कि नहीं बन रही, मतलब ऐसे विद्यार्थी जो किसी न किसी विषय में अवश्य पास हुए हैं वो कितने हैं, पहले ये देखो, तो पास होने वाले टोटल पास कितने हुए किसी न किसी एक सब्जेक्ट में, तो टोटल पास जो किसी न किसी एक विषय में पास अवश्य हुए हैं वो निकालेंगे, तो वो उसके लिए इन सब को जोड़ देंगे, तो देखो ये हो गया 52, और 52 में 58 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 110, 110 110 हो गया, 110 और 110 कितना हो गया 220 हो गया, 220 और ये हो गया आपका 100, तो कितना हो गया 320, 320 और 42 कितना हो गया 362 विद्यार्थी ऐसे हैं जो किसी न किसी एक विषय में पास हुए हैं, इन सभी को ऐड कर दिया, तो ये कौन से हैं मैं हिंदी में लिख देता हूं, किसी न किसी एक विषय में पास अवश्य हुए हैं, किसी न किसी एक विषय में पास अवश्य हुए हैं, मतलब इसमें एक वाले भी हैं, दो विषयों में पास होने वाले भी हैं और तीन में भी पास होने वाले हैं, किसी न किसी एक विषय में पास अवश्य हुए हैं वो वाले विद्यार्थी हैं। तो आप ये बताइए कि ऐसे विद्यार्थी कौन से हैं जो तीनों विषयों में फेल हुए हैं, तो वो निकालेंगे, तो टोटल 500 विद्यार्थियों में से अगर मैं 362 को घटा दूंगा तो हमारे पास वो आ जाएंगे जो तीनों विषयों में फेल हुए हैं, तो तीनों विषयों में फेल, फेल निकालेंगे किस किस में, फिजिक्स में फेल स्टूडेंट फिजिक्स में कॉमा केमिस्ट्री में, शॉर्ट में लिख देता हूं, एंड मैथ्स में, तीनों में फेल विद्यार्थी निकालेंगे तो फेल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, तीनों विषयों में फेल, क्योंकि अगर मैं यहां पर, मैंने आपको बताया था, अगर मैं यहां पर रेक्टेंगल बना दूं तो रेक्टेंगल में जो नीचे अंदर जो ये मान है ये वाला, ये तो पास वाले होंगे किसी न किसी एक समय में, उसके अलावा टोटल विद्यार्थियों का मान जो 500 है ये टोटल रेक्टेंगल होगा, तो इसमें जो बाहर बचेंगे ये फेल वाले होंगे जो तीनों विषयों में फेल हुए, तो इनका मान कैसे निकालेंगे, 500 में से सर्किलों की टोटल वैल्यू 362 को घटा देंगे, 500 में से 362 को माइनस करेंगे तो देखो कितना हो गया, 10 में से 2 गया तो कितना बचा 8, 9 बचा, 9 में से 6 गया तो कितना बचा 3, और 4 में से 138 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो तीनों विषयों में फेल हुए। अब जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा है उसका मान हम यहां से बताते चलेंगे, पूरा डाटा हमारे पास है, टोटल 500 विद्यार्थी हैं, पूरे रेक्टेंगल की वैल्यू 500 है, उसमें से 138 तीनों विषयों में फेल हुए हैं, ये 138 हो गए, ठीक है। उसके बाद 362 जो है टोटल पास हुए किसी न किसी एक विषय में, जिसमें से 52 केवल मैथ में पास हुए, 36 केवल केमिस्ट्री में पास हुए, 42 केवल फिजिक्स में पास हुए, उसके अलावा दोनों वाले हमें दिए हैं। अब उसके बाद पूछा क्या, ये देख लेते हैं, तो देखो पहला क्वेश्चन पूछा है, ज्ञात कीजिए कितने छात्र गणित में फेल हुए, ठीक है,
तो ये बताइए कि गणित में कितने छात्र फेल हुए। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि गणित में पास कितने हुए हैं, कितने विद्यार्थी गणित में पास हुए हैं, वो अगर हम निकाल लें तो उसमें से घटा दें तो बाकी के गणित में फेल वाले आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। तो गणित में पास निकालो, सबसे पहले गणित में पास कितने हुए हैं। तो अब मैं एक एक से क्वेश्चन के आंसर करूंगा। तो ये पूरा डाटा मैंने उधर कॉपी कर दिया, तो इसको मैं मिटा देता हूं। उस वेन डायग्राम पे पूरा डाटा कॉपी है, तो ये 362 कॉपी नहीं है, बस इसको लिखा रहने देता हूं। बाकी मैं बारी बारी से क्वेश्चन को सॉल्व करते चलता हूं, ठीक है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पहले क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, इसमें से फर्स्ट का देखेंगे, फर्स्ट वाले में क्या पूछा है। तो फर्स्ट वाले में उसने कहा है कि कितने छात्र गणित में फेल हुए, कितने छात्र गणित में फेल हुए, मतलब पहले निकालो मैथ्स में पास स्टूडेंट कितने हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना है पास्ट स्टूडेंट, पास्ट इन मैथ्स, पहले ये देखो कि मैथ्स में पास कितने हुए हैं, बाकी के तो फेल ही होंगे, तो पास वाले कितने हो जाएंगे। बामन यहां पास हुए हैं, प्लस उसके अलावा 64 ये पास हुए हैं। मैथ्स में तो पास है ही, केमिस्ट्री में है उससे कोई मतलब नहीं है, मैथ्स में तो पास है, मतलब मैथ्स में पास का मतलब टोटल मैथ्स वाला सर्किल पास वालों का, ये प्लस 54 ये वाला, और उसके अलावा प्लस 58, सबको ऐड कर लेंगे तो मैथ्स में पास वाले स्टूडेंट आ जाएंगे। 8 और 4 12, 12 और 4 16 और 2 18, 8 1, 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22, 228 स्टूडेंट ऐसे हो गए जो मैथ्स में पास हुए हैं। तो फेल कितने हो गए, बाकी के हो जाएंगे फेल। तो फेल निकालेंगे तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 500 में से 228 को घटा दो तो मैथ्स में फेल कितने आ गए, तो 10 में से 8 गया तो 2, 9 में से 2 गया तो 7 और 4 में से 272 विद्यार्थी ऐसे हो गए जो मैथ्स में फेल हुए। तो प्यारे विद्यार्थी 272, इसका मतलब ऑप्शन तो हमारा पहले ही छट गया, ए आंसर हो गया। इसके बाद हमें और कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 272 जो है ना उसके अलावा सभी में यही अलग दिया है, 270, 273, 212। अगर ये सभी ऑप्शनों में सेम दिया होता तब तो हमें आगे की चीजें निकालनी होती, लेकिन हमें जब यही एक ही ऑप्शन में दिया है तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। लेकिन फिर भी हम निकाल निकाल के देख लेते हैं सारी चीजें। तो 272 ये निकाल लिया, ये आपकी समझ में आ गया। देखो इसी में ये वाला हो गया आंसर, तो इसका ये हो गया 272 हो गया, 272 ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन, दूसरा भी हमें ये सारे देखने हैं, इनका कितना आएगा इनको एक बार चेक कर लेते हैं। वैसे ऑप्शन ए सही हो गया क्योंकि 272 और किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है। तो अब हमें ये भी करने हैं, कितने छात्र, अब सेकंड वाले को पढ़ेंगे, सेकंड वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सेकंड वाले में उसने कहा है कितने छात्र केवल भौतिक विज्ञान में फेल हुए, कितने छात्र केवल भौतिक विज्ञान में फेल हुए। इसका मतलब ये है कि हमें अब पूछा है फेल, और जबकि हमने इधर वेन डायग्राम बनाया है पास वालों का, हमने वेन डायग्राम में जो चीजें लिखी हैं वो पास वाले स्टूडेंटों की संख्या लिखी है, लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा है फेल में। तो जब कभी भी ऐसा हो तो उसको आपको लैंग्वेज को, इस लैंग्वेज को पहले कन्वर्ट करके आपको पास में करना है, पहले लैंग्वेज को चेंज करना पड़ेगा। तो देखो दूसरे वाले क्वेश्चन की जो लैंग्वेज फेल में दी है इसको मैं पहले पास में कन्वर्ट करूंगा। तो इसने कहा है केवल छात्र ऐसे जो भौतिक विज्ञान में फेल हुए, मतलब मुझे ऐसे छात्र बताने जो केवल भौतिक विज्ञान में फेल हुए हैं। इसका मतलब केवल भौतिक विज्ञान में अगर फेल हुए हैं तो वो बाकी के दो सब्जेक्टों में पास हुए होंगे, सीधी सी बात है। इसका मतलब हमें केवल भौतिक विज्ञान में फेल वाले मिल जाएंगे अगर हम ये निकाल लें कि पास स्टूडेंट बताइए जो केमिस्ट्री में भी पास हुए हों और उसके अलावा मैथ्स में भी पास हुए हों। अगर हम पास स्टूडेंट निकाल लें कि केमिस्ट्री एंड मैथ्स में कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, तो वो स्टूडेंट इन दोनों में तो हो जाएंगे पास, बाकी का जो तीसरा सब्जेक्ट बचा उसमें हो जाएंगे फेल। तो हमें बस ये देखने हैं उस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए कि केमिस्ट्री और मैथ्स में पास स्टूडेंट कौन से हैं। तो देखो केमिस्ट्री और मैथ्स में पास स्टूडेंट कौन से हैं, तो केमिस्ट्री और मैथ्स में पास स्टूडेंट हैं 64। देखो 64 मैथ्स और केमिस्ट्री में तो पास हैं, लेकिन जब ये इन में पास हैं दोनों में तो ये फिजिक्स में फेल होंगे, क्योंकि ये दो ही सब्जेक्टों में पास स्टूडेंट हैं। ये जो 64 स्टूडेंट हैं केवल दो ही सब्जेक्टों में पास स्टूडेंट हैं, कौन से में, मैथ में और केमिस्ट्री में, तो दो में पास हैं तो तीसरी में फेल होंगे। इसका मतलब फिजिक्स में, केवल फिजिक्स में फेल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी, केमिस्ट्री और मैथ में पास विद्यार्थियों के बराबर। तो कितने हैं 64, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखो 64 भी इस ऑप्शन में आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही है, तो सेकंड वाला हो गया। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है।
थर्ड वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो थर्ड वाले क्वेश्चन को देखेंगे भाई, थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या कहा है, तीसरे वाले क्वेश्चन को। ऐसे ही मैं आपको इसके सारे क्वेश्चन समझा दूंगा, बिल्कुल बात को ध्यान से समझना। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह आई कि जब हम वेन डायग्राम पास वालों का बनाएंगे, तो जब यहां क्वेश्चन फेल में पूछा होगा तो इस क्वेश्चन को पहले कन्वर्ट कर लेंगे पास में। अब ऐसे ही तीसरा वाला क्वेश्चन देखो, थर्ड वाला क्वेश्चन, कितने छात्र केवल एक विषय में फेल हुए। इसका मतलब हमें वो छात्र बताने हैं जो केवल एक विषय में फेल हुए हैं, इसका मतलब बाकी के दो विषयों में वो पास होने चाहिए। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, हमें पास स्टूडेंट बताने हैं जो दो सब्जेक्ट में पास हुए हैं, दो सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं। इसी लैंग्वेज को मैं बस पास में कन्वर्ट कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। कितने छात्र केवल एक विषय में फेल हुए, इसका मतलब एक विषय में फेल छात्र बाकी के दो विषय में पास होंगे। तो या तो मैं ये कहूं कि ये बताइए कितने छात्र केवल एक विषय में फेल हुए, या इसी लैंग्वेज को मैं ऐसे कह सकता हूं कि दो विषयों में पास बताइए। तो पास इन टू सब्जेक्ट्स, पास स्टूडेंट इन टू सब्जेक्ट्स बताइए यहां से कितने होंगे। तो बताओ वहां से दो सब्जेक्टों में पास कितने होंगे। तो देखो, एक तो ये 64 दो सब्जेक्टों में पास हुए हैं, उसके अलावा प्लस 56 दो सब्जेक्टों में पास हुए हैं, और प्लस 58 दो सब्जेक्टों में पास हुए। इन सभी को ऐड कर देंगे तो दो सब्जेक्टों में पास होने वाले विद्यार्थी आ जाएंगे 6 और 4 10 और 8 18 8 1 6 और 5 11 11 और 6 17। 178 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो दो विषयों में पास हुए और एक में फेल। उसने पूछा है केवल एक विषय में फेल, तो आंसर कितना हो जाएगा 178। तो ये तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि ये लैंग्वेज जो फेल में दी है इसको पास में कन्वर्ट करना है। तो उसने कहा कितने छात्र केवल एक विषय में फेल हुए, इसका मतलब दो में पास वाले बताने हैं। तो दो में पास वाले हमने यहां से दिख रहे हैं वेन डायग्राम से, दो में पास वाले हमें दिख रहे हैं मैथ केमिस्ट्री में पास 64, मैथ फिजिक्स में पास 58 और केमिस्ट्री और फिजिक्स में पास 56। तीनों को जोड़ दिया, आंसर आ गया 178। ठीक है, ऐसे देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसी में नंबर फोर्थ, ये क्वेश्चन जरूर चार थे लेकिन एक एक क्वेश्चन में चार चार पांच पांच, मतलब बहुत बड़ी क्लास हो गई है। क्वेश्चनों की संख्या चार है लेकिन एक ही क्वेश्चन में पांच पांच क्वेश्चन पूछे हैं भाई। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन, देखो फोर्थ क्वेश्चन में कहा है कितने छात्र कम से कम एक विषय में फेल हुए। देखो इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल बात को ध्यान से समझना, फोर्थ क्वेश्चन की लैंग्वेज को बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो तो देखो फोर्थ क्वेश्चन को समझेंगे, कितने छात्र कम से कम एक विषय में फेल हुए, कम से कम एक विषय में फेल छात्र बताने हैं। कितने छात्र कम से कम एक विषय में फेल हुए, इसका मतलब एक विषय में अगर फेल हुए हैं तो बाकी के दो विषयों में पास हुए होंगे। वो ऊपर केवल एक विषय में फेल वाले पूछे थे लेकिन ये कह रहा है कम से कम एक विषय, मतलब इसमें पहले इसका डिस्क्रिप्शन सुन लो, इसमें जो दिया है फेल की बात कर रहा है और कम से कम एक विषय में, मतलब हमें एक विषय में भी फेल बताने, दो विषय में भी फेल बताने, तीन विषय में फेल, मतलब कुल फेल टोटल फेल कितने हुए ये बताने हैं। तो एक तरह से टोटल फेल कितने हुए ये बताने हैं। तो उसने कहा है कि कितने छात्र ऐसे हैं जो कम से कम एक विषय में फेल हुए, कम से कम एक का मतलब एक विषय में फेल वाले भी बताने हैं, दो विषयों में फेल वाले भी बताने हैं, और तीन विषयों में फेल वाले भी हमें टोटल बताने हैं। अब इसी लैंग्वेज को हम पास में कन्वर्ट करते हैं, जो ये लैंग्वेज है इसको हम पास में कन्वर्ट करते हैं। तो एक विषय वाले फेल भी, दो विषय वाले फेल वाले भी बताने, तीन विषय वाले फेल वाले बताने, इसका मतलब केवल अगर मैं इसको पास में कन्वर्ट करूं तो इससे अलग पास वाले कौन से बच जाएंगे, तो पास वाले केवल वो बच जाएंगे जो तीनों सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं। इस चीज को मैं ये भी तो कह सकता हूं कि तीनों विषयों में जो पास होंगे वो ओनली यहां आपके आएंगे, उसके अलावा नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि फेल विद्यार्थी बताने हैं वो नहीं आएंगे ओनली यहां पर। फेल विद्यार्थी एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में, तीन सब्जेक्ट में, इसका मतलब इनसे अलग, इनसे अलग पास विद्यार्थी अगर तीनों सब्जेक्टों में, तीनों सब्जेक्टों में कितने विद्यार्थी पास हुए हैं, अगर मैं ये 500 में से कुल विद्यार्थियों में से घटा दूं, तीनों सब्जेक्टों में कितने विद्यार्थी पास हुए हैं केवल उसको मैं 500 में से घटा दूं, तो बाकी के विद्यार्थी ऐसे तो बचेंगे जो किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल हैं। यहां पर जो क्वेश्चन में लैंग्वेज दिए कम से कम एक विषय में फेल, इसका मतलब कम से कम एक विषय में फेल का मतलब
एक विषय में फेल वाले भी आएंगे इसमें, दो विषय में फेल वाले भी आएंगे और तीन विषय में फेल वाले भी आएंगे। तो अगर मैं फेल वाला वेन डायग्राम इस प्रकार से बनाता मान के चलो, तो इसका मतलब ये वेन डायग्राम, ये वेन डायग्राम और ये वेन डायग्राम, हमें टोटल जो फेल वाला वेन डायग्राम होता तो उसके बाद यहां पर कौन से बसते हैं, तीनों सब्जेक्ट में पास वाले ही तो बसते हैं बस टोटल स्टूडेंट में से। तो टोटल स्टूडेंट में से तीनों में पास वाले, इसका मतलब हमें एक विषय, दो विषय और तीन विषय में, मतलब कम से कम एक विषय में फेल निकालने हैं। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या में से और तीनों विषयों में पास वालों को घटा देना है तो बस इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि कम से कम एट लीस्ट वन सब्जेक्ट में फेल वालों का निकालेंगे हम, संख्या निकालेंगे, तो वो वैल्यू बराबर होगी पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं और माइनस तीनों सब्जेक्टों में पास कितने हैं। अगर ये बात आपके समझ में नहीं आई है तो आप यहां से देख सकते हैं कि तीनों विषयों में हमें फेल वाले निकालने होंगे तो कैसे निकालेंगे, कुल विद्यार्थियों में तो टोटल वेन डायग्राम को घटाकर ही जो निकालेंगे, ऐसे मैंने यहां पे किया है। तो टोटल स्टूडेंट कितने 500 में से तीनों में पास कितने हैं 54, इसको घटा देंगे तो 54 को घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 10 में से 4 गया तो 6, यहां पे कितना बचा 9 में से 5 गया तो 4, तो 446 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखो 446 ही है फोर्थ वाले नंबर पे। तो इस वाले क्वेश्चन का कम से कम एक विषय में फेल, पहले मैंने आपको इस लैंग्वेज का मतलब बताया, कम से कम एक विषय में फेल का मतलब एक विषय में भी फेल, दो में भी फेल, तीन में भी फेल, मतलब टोटल फेल विद्यार्थी जो किसी न किसी एक सब्जेक्ट में फेल अवश्य हुए हैं। तो वो कैसे निकालते हैं, कुल विद्यार्थियों में से तीनों में पास वाले घटा दो तो वो वैल्यू निकल के आ जाती है। ठीक है, अब देखेंगे इस वाले क्वेश्चन का लास्ट पांचवा क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन का लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे पांचवा क्वेश्चन, कितने छात्र कम से कम एक विषय में पास हुए। तो कम से कम एक विषय में पास वाले बताने, ये तो बहुत आसान है, इसको तो कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है, पास में ही क्वेश्चन पूछा है और पास वाले हमको, हमने वेन डायग्राम बनाया है तो उसने कहा कम से कम एक विषय में पास, इसका मतलब कम से कम एक विषय में पास मतलब कितने छात्र कम से कम एक विषय में पास हैं। तो एक विषय में पास वाले भी आएंगे, दो विषय में पास वाले भी आएंगे और तीन विषय में भी पास वाले आएंगे, इसका मतलब टोटल पास कितने हुए एक न एक सब्जेक्ट में, तो उसकी संख्या हमारे सामने सीधी लिखी है 362। तो ये कितना हो जाएगा 362, ये हम निकाल ही चुके हैं। तो देखो सारे पांच क्वेश्चनों के आंसर आ गए 272, 64, 178 और 446, 362। ठीक है, तो चलते हैं आज की क्लास के नेक्स्ट बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पर। ये वेन डायग्राम विद्यार्थियों आज की क्लास का फोर्थ क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, करने की कोशिश करेंगे। किसी परीक्षा के लिए एक्स लोगों ने फॉर्म भरा, परीक्षा वाले दिन 28.56% छात्र परीक्षा देने नहीं आए, परीक्षा में उपस्थित छात्रों में से 8% छात्र दोनों विषयों में फेल हो गए तथा 18% दोनों विषयों में पास हो गए। यदि हिंदी में उपस्थित छात्रों का 50% छात्र पास हुए तथा बताइए कि कुल छात्रों का कितना प्रतिशत अंग्रेजी में पास हुए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझेंगे भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और देख लें। किसी परीक्षा में, यहां पर जो समझने वाली बातें हैं उनको समझेंगे। किसी परीक्षा में एक्स लोगों ने फॉर्म भरा, एक्स लोग, लोगों की संख्या नहीं पता, परीक्षा वाले दिन 28.56% छात्र परीक्षा देने नहीं आए, ये वाले स्टूडेंट परीक्षा देने नहीं आए। तो सबसे पहले इस बात को समझो, तो 28.56% चौथा क्वेश्चन है, तो इसने कहा 28.56% छात्र परीक्षा देने नहीं आए, तो 28.56% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/7। तो अगर टोटल स्टूडेंट 7 रेशियो होंगे तो उसमें से ये वाले जो स्टूडेंट हैं ये एबसेंट रहे। ठीक है, ये वाले स्टूडेंट एबसेंट रहे और प्रेजेंट कितने रहे, तो 7 में से 2 को घटाएंगे 5। पहले तो आप ये बना लो, फिर उसके बाद देखो यहां तक हो गया। परीक्षा में उपस्थित छात्रों में से 8% छात्र दोनों विषयों में फेल हो गए, 18% दोनों विषयों में पास हो गए। यदि हिंदी में उपस्थित छात्रों का 50% छात्र पास हुए, तो देखो पहले इनका रेशियो बना लेते हैं, टोटल स्टूडेंट्स का और प्रेजेंट वाले स्टूडेंट का, जो प्रेजेंट है उसके अलावा एबसेंट वाले कितने हैं। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं टोटल स्टूडेंट 700 मान लेता हूं, 100 और बढ़ा लेता हूं जिससे परसेंटेज निकालना आसान रहे, तो प्रेजेंट स्टूडेंट हो जाएंगे 500 और एबसेंट स्टूडेंट हो जाएंगे 200। देखो बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, तीन सब्जेक्ट कितने हैं, सब्जेक्ट देखते हैं, तो उसने कहा है दो सब्जेक्ट हैं, एक्स लोगों ने फॉर्म भरा है
परीक्षा देने नहीं आए। उपस्थित छात्रों में से 8% छात्र दोनों विषयों में फेल हो गए। तो दो विषय हैं, दो सब्जेक्ट हैं भाई, तो इसका मतलब दो वेन डायग्राम बनाने होंगे बस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक वेन डायग्राम ये और एक वेन डायग्राम ये। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं ये देख लो। तो सब्जेक्ट उसने कहा हिंदी है, एक हिंदी में उपस्थित छात्रों का 50% छात्र पास हुए, तो अंग्रेजी। दो सब्जेक्ट हैं तो मैं ये मान लेता हूं रेड वाला हिंदी का है और ब्लैक वाला आपका इंग्लिश का है। अब जो दिया है डाटा उसको इसमें फिल कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लो तब फिल करेंगे। उसने कहा 8% छात्र दोनों विषयों में फेल हो गए, इसका मतलब हम फेल वाला वेन डायग्राम बनाएंगे। तो यहां पर 8% आएगा तो फिर इधर फेल वाले लिखेंगे। अगर प्यास वाला वेन डायग्राम बनाएंगे तो 18% दोनों विषयों में पास हुए तो इसमें पास वाले आएंगे। ठीक है, यदि हिंदी में उपस्थित छात्रों का 50% छात्र पास हुए, मतलब ये पास वाला दिया, तो बताइए कुल छात्रों का अंग्रेजी में कितना प्रतिशत अंग्रेजी में पास हुए। ठीक है, तो यहां पे एक सर्किल आयत बना लेते हैं जो टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंटों को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो आयत है ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेजेंट विद्यार्थियों को। ठीक है, प्रेजेंट स्टूडेंटों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्रेजेंट स्टूडेंटों को मैं मान लेता हूं 100% अपनी तरफ से। ठीक है, 100% मान लिया मैंने प्रेजेंट स्टूडेंट। लेकिन अब यहां पर एक बात को ध्यान रखना है कि जो वैल्यू आप यहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं प्रेजेंट पर, तो यहां पर यह चीज ध्यान रखना है 8% छात्र दोनों विषयों में फेल हो गए, 18% दोनों विषयों में पास हो गए। यदि हिंदी में उपस्थित छात्रों का 50% पास हुए तो बताइए कि कुल छात्र, इसका मतलब पास तो वही होंगे जो उसमें आए होंगे प्रेजेंट वाले, तो प्रेजेंट वालों को 100% मान लेंगे। 8% दोनों विषयों में फेल हो गए तो इसका मतलब 8% दोनों विषयों में फेल वाले इधर आएंगे, क्योंकि वेन डायग्राम में अगर मैं पास वाले लिखूंगा तो ये वाला जो भाग है ये फेल वालों का हो जाएगा, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो 8% को 100 में से माइनस करेंगे तो इन वेन डायग्रामों का टोटल यूनियन का मान कितना आ जाएगा, 92% आ जाएगा। यहां तक कर लिया हमने सबसे पहले, अब पास वाले लिखते चलो। तो दोनों विषयों में पास कितने हुए भाई, 18% दोनों विषयों में पास हुए हैं, 18% दोनों विषयों में पास हुए, 18% यहां लिख लिया। उसके अलावा हिंदी में उपस्थित छात्रों का 50% छात्र पास हुए हैं, तो हिंदी में कितने परसेंट प्राप्त पास हुए हैं भाई, 50%। तो ओनली हिंदी में बताइए कितने परसेंट हुए, ओनली हिंदी में निकालेंगे, केवल हिंदी में, तो ये वाला भाग निकालेंगे। तो 50 टोटल है उसमें से 18 ये है, तो 50 में से 18 को माइनस कर देंगे तो 30% छात्र ओनली हिंदी में पास आ जाएंगे। ये पास वाले हैं, 50% हिंदी में पास, 32% केवल हिंदी में पास और 18% दोनों विषयों में पास। उसके अलावा हमें ओनली इंग्लिश वाले निकालने पड़ेंगे। तो ओनली इंग्लिश वाले कैसे निकाल सकते हैं, उसने कहा है कुल छात्र का कितना प्रतिशत इंग्लिश में पास हुए। तो देखो पहले मैं ओनली इंग्लिश वाले निकाल लेता हूं, तो मुझे पता है यूनियन का मान कितना है 92%, वेन डायग्राम में यूनियन का मान कितना है 92%, उसमें से ये वाली वैल्यू कितने परसेंट है 50%, और प्लस बाकी का जो बचेगा, बाकी का जो बचेगा वो कौन सा भाग होगा, बाकी का ये वाला भाग बचेगा, यही तो बचेगा। देखो इसको मैं रेड से हाईलाइट कर देता हूं, क्योंकि ब्लैक से जो है, ब्लैक से आपका रेक्टेंगल वाला हाईलाइट हो रहा है, इस वजह से मैं इस भाग को, देखो इस वाले भाग की बात कर रहा हूं, तो ये वाला भाग जो है इसको मैं मान लेता हूं एक्स परसेंट। ठीक है, तो एक्स परसेंट मान लेता हूं, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, तो 92 में से 50 को माइनस करेंगे तो एक्स का मान हो जाएगा 42%। इसका मतलब 42% ऐसे होंगे जो केवल इंग्लिश में पास हो जाएंगे। उसने पूछा है बताइए कुल छात्र का कितना प्रतिशत इंग्लिश में पास हो जाएंगे। तो एक बात और भाई, यहां पर हमने जो डाटा लिखा है वो प्रेजेंट स्टूडेंट पर है पूरा, ये वाला 8% भी प्रेजेंट स्टूडेंट। भाई फेल विद्यार्थी कब होगा, परीक्षा में बैठेगा तभी तो फेल होगा, जब बैठेगा ही नहीं तो फेल होने की बात ही नहीं आती है। इसका मतलब 8% फेल जो होंगे वो प्रेजेंट स्टूडेंटों में तो ही होंगे। तो ये जो पूरा डाटा है वो प्रेजेंट स्टूडेंटों का है, इसमें एब्सेंट से कोई मतलब नहीं है, कुल स्टूडेंटों से कोई मतलब नहीं है। तो पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। तो यहां पर उसने जो क्वेश्चन में पूछा है वही देखूंगा, पहले मैं वही देखूंगा फिर उसके बाद सारी चीजें देखूंगा। तो 42% केवल इंग्लिश में पास हुए हैं उपस्थित विद्यार्थियों का, उपस्थित विद्यार्थियों का, लेकिन यहां पूछा कितना प्रतिशत अंग्रेजी में पास हुए हैं कुल छात्र का, इस बात को ध्यान रखना, कुल छात्र का
कितना प्रतिशत अंग्रेजी में पास हुए ये पूछा है। तो अंग्रेजी में पास हुए कितने हैं पहले ये निकालो, तो केवल अंग्रेजी में 42 और 18% दोनों में, तो इंग्लिश में पास टोटल कितने हो गए, तो 42 और 18 को जोड़ेंगे तभी तो निकल के आएंगे। तो 60% विद्यार्थी उपस्थित विद्यार्थियों में से, ये जो प्रेजेंट है इनमें से 60% अंग्रेजी में पास हुए हैं। तो अंग्रेजी में पास विद्यार्थी कुल छात्र का बताना है लेकिन, तो अगर इसने हमें उपस्थित छात्रों का पूछा होता तो मैं 60% आंसर कर देता, देखो ये वाला आंसर कर देता लेकिन उसने हमसे ये पूछा कि कुल छात्र का कितना प्रतिशत अंग्रेजी में पास हुए, तो आप पहले ये निकालिए कि अंग्रेजी में पास कितने हुए हैं। तो अंग्रेजी में पास निकालेंगे तो 60% 500 पर निकालेंगे, और उसके अलावा जब कुल विद्यार्थियों का निकालेंगे तो फिर उसी चीज को हम 700 पर कैलकुलेट करेंगे। तो एक बात तो ये है कि यहां पर जो क्वेश्चन पूछा उसके अनुसार इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो देखो उसके अनुसार इसका आंसर होना चाहिए 60% 500 का। तो इंग्लिश में पहले पास निकाल लो कितने विद्यार्थी हैं, तो इंग्लिश में पास विद्यार्थी कितने होंगे, तो 500 का 60% कितना हो गया 3/5, तो 300 विद्यार्थी होंगे इंग्लिश में पास। इंग्लिश में पास को अब उसने कहा है कुल छात्रों का, तो कुल छात्र 700 पर कैलकुलेट करेंगे, तो 300 को 700 पर कैलकुलेट करेंगे तो 300/7 हो जाएगा, 300 3/7 मल्टीप्लाई 100, तो परसेंटेज बनाएंगे 300/7/, तो ये हो जाएगा 28 बजे करना 2 20 7 43% के अप्रोच आएगा, जो ऑप्शन में नहीं है। वैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार 43% आंसर होगा, लेकिन टाइपिस्ट ने यहां पे एरर कर दी है। यहां पर क्या है, उसने कहा कैंडिडेट पास्ड इन इंग्लिश ओनली, आप इंग्लिश में पढ़ के देखिए तब आपको समझ में आएगी टाइपिस्ट ने हिंदी में क्या एरर की है। व्हाट परसेंट ऑफ कैंडिडेट पास्ड इन इंग्लिश ओनली, मतलब केवल इंग्लिश वाले बताने भाई, केवल इंग्लिश वाले बताने हैं। तो यहां पर बस आपको ये और ऐड करना है कितना प्रतिशत केवल अंग्रेजी में पास हुए, बस ये ऐड कर लेना है। लेकिन मैंने आपको सॉल्यूशन इससे भी बता दिया है, मैंने आपको हिंदी से सॉल्यूशन का आंसर 43% के अप्रोक्स आएगा, मतलब 42 पॉइंट कुछ आएगा। पूरी बात क्लियर कर देता हूं भाई, एप्रोक्स जो है 43% आएगा हिंदी के सॉल्यूशन से, लेकिन हम इंग्लिश के सॉल्यूशन से जब करेंगे व्हाट परसेंट ऑफ कैंडिडेट पास्ड इन इंग्लिश ओनली, जब इससे हम क्वेश्चन करेंगे, और उसने कहा है कैलकुलेट ऑन टोटल कैंडिडेट हु फिल्स द फॉर्म, टोटल कैंडिडेटों पर कैलकुलेट करें, तो उस केस में क्या होगा, ओनली इंग्लिश वाले कितने परसेंट हैं, 42%। अब यहां से समझिए, ओनली इंग्लिश वाले कितने हैं 42%, कितने का प्रेजेंट का, मतलब 500 का, तो 500 का 42% निकालेंगे तो 500 का 42% आ जाएगा, 42/100 मतलब 5 × 2 = 10 = 1, 210 विद्यार्थी आ जाएंगे जो केवल इंग्लिश में पास हुए। लेकिन उसने पूछा है कैलकुलेट ऑन टोटल कैंडिडेट, सो टोटल कैंडिडेट मतलब 700 पर जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 210 को जब हम 700 पर कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लाई 100, तो ये हो जाएगा 37% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो केवल इंग्लिश में पास हुए, तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा B 30%। तो यहां पर अगर आप केवल लगा लेंगे तब आपका आंसर बेटा 30% होगा, अगर आप यहां केवल नहीं लगाएंगे तो आपका आंसर 43% होगा। बस बातें क्लियर होनी चाहिए, ऑप्शन तो अपने आप आ ही जाएगा। तो इंग्लिश की लैंग्वेज के अनुसार इस आंसर का आंसर जो है 30% होगा। तो यहां पर बस ये बात समझनी है आपको कि ये जो डाटा हमने लिया है ये उपस्थित विद्यार्थियों का लिया है, तो ये परसेंटेज 500 पर निकाला जाएगा, लेकिन जब क्वेश्चन में वो कहेगा कि कुल विद्यार्थियों का बताइए जैसे यहां पर कहा है, तो फिर यही चीज 700 पर निकाली जाएगी, जैसे नीचे निकाली है और यहां ऊपर वाले में भी सॉल्यूशन निकाली है। तो इसका आंसर 30% हो जाएगा, यहां पे बस आप केवल कर लीजिए तो 30% हो जाएगा। एक बार मैं दोबारा से इसको बता देता हूं, यहां पर मैंने हिंदी वाले का सॉल्यूशन बता दिया है आपको, अब मैं आपको जो क्वेश्चन एक्चुअल में है उसका सॉल्यूशन करके बता देता हूं। बस एक बार देखो, उसने पूछा है क्वेश्चन जो एक्चुअल में है वो ये है कि कुल छात्र का कितना प्रतिशत केवल अंग्रेजी में पास हुए, ठीक है, तो केवल अंग्रेजी वाले कितने परसेंट है भाई, 42%, 42% विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में पास हुए हैं, तो ओनली इंग्लिश में पास विद्यार्थी निकालेंगे, तो ओनली इंग्लिश में पास विद्यार्थी निकालेंगे 500 का 42% है ये, 500 का, क्योंकि उपस्थित विद्यार्थियों का परसेंटेज है ये पूरा, यहां पे उपस्थित विद्यार्थी तो लिए थे 100%, तो ये हो गया, तो 100 तो ये आ जाएगा कितना 210। अब उसने कहा है कि कुल विद्यार्थियों का मतलब कुल छात्र का, तो इसका मतलब जो ये 210 है इसको कुल छात्र 700 पर कैलकुलेट करना है कितना परसेंट होगा, तो 210 को कैलकुलेट करेंगे
700 पर और मल्टीप्लाई 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 30%, जो कौन से ऑप्शन पे है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी हिंदी में अगर मिसप्रिंट हो जाए तो आप इंग्लिश से हेल्प ले सकते हैं, तो ओनली इंग्लिश वाले बताने थे, आंसर हो जाएगा। निकाल के मैंने आपको सब तरीके से बता दिया है, हिंदी जैसे जो लैंग्वेज में जो दिया था, अगर मैं यहां से केवल को हटा दूंगा तो वो सॉल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया, उससे आंसर 43% आएगा, ठीक है। उसके अलावा उसने पूछा, अब देखना क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन कैसे बदलेगा, उपस्थित विद्यार्थियों का कितने प्रतिशत, अगर उसने यहां टोटल स्टूडेंट नहीं कहा होता, इसकी जगह उसने कहा होता कि बताइए प्रेजेंट स्टूडेंट, प्रेजेंट कैंडिडेटों का, प्रेजेंट कैंडिडेटों का केवल इंग्लिश में पास होने वाले कितने होंगे, तो आप सीधा आंसर कर देते 42%। लेकिन ये कैलकुलेशन आपको क्यों करनी पड़ी, क्योंकि उसने प्रेजेंट का नहीं, उसने कह दिया कुल विद्यार्थियों का, जबकि हमने ये परसेंटेज लिए टोटल का, ये परसेंटेज लिए प्रेजेंट वालों का, और उसने पूछा है हमसे टोटल कैंडिडेट का, इस वजह से ये कैलकुलेशन बढ़ गई और आंसर आ गया 30%, ठीक है। तो ये वेन डायग्राम से रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस प्रकार से वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में भिन्न भिन्न तरीकों से पूछे जा सकते हैं। हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, वेन डायग्राम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में चलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। उसके अलावा परसेंटेज के मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन, अभी उससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस से पहले परसेंटेज के कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन करेंगे, जो हमने अभी किसी भी टाइप में नहीं पढ़े लेकिन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। उन मिसलिनियस क्वेश्चनों को करने के बाद फिर हम आगे प्रॉफिट एंड लॉस पर चलेंगे और परसेंटेज के साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सभी ध्यान रखें, सही रहें, स्वस्थ रहें।